हे हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग यानी कि जितने भी बेल्टॉन के कर्मी हैं, तो आप लोगों से एक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन है ईआरपी को लेकर, ठीक है। ईआरपी क्या है और ईआरपी में नाम क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जान देते हैं कि ईआरपी क्या है। ईआरपी में नाम तो आप लोग सुना ही होगा। सबसे पहले ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, ठीक है। और यह ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है बेल्टॉन के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोडेड है। फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि आज के ज़माने में सारी चीज़ें डिजिटल यानी ऑनलाइन होते जा रही है, ठीक है। किसी भी बेल्टॉन के कर्मी के डाटा या इन्फॉर्मेशन को मैनुअल से ऑनलाइन कहीं स्टोर करके सेव करके अच्छी तरह रखना, यही ईआरपी का काम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, ईआरपी के थ्रू जो है बहुत सारे विभागों से अधियाचना भी आती है। अधियाचना यानी सीट, जैसे कि प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी पार्टिकल्स के लिए आती रहता है। फ्रेंड्स, ईआरपी जो है एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करती है। जैसे कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में देखे होंगे, डेस्कटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर है, बस उसी की तरह ये ईआरपी सॉफ्टवेयर भी काम करती है। ईआरपी में नाम जोड़ने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका सारा डाटा जो है ईआरपी नामक एक फाइल में स्टोर हो चुकी है। ईआरपी में नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि बेल्टॉन को आपसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। यानी कि मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है कि अगर आपका नाम ईआरपी में जोड़ा जा चुका है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ईआरपी में अपना मानदेय का भुगतान पता कर सकते हैं, कितने दिनों को आपका मानदेय मिल चुका है, कितने दिनों का नहीं मिला है। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है ईआरपी में नाम जोड़ने का। अगर आपको 2-4 महीने का सैलरी जो है मानदेय आपका आपको नहीं मिला होगा, छूट गया होगा, तो आप विभाग में बार बार लेटर दोगे, विभाग नहीं सुनेगा, फिर आप क्या करोगे, बेल्टॉन के पास जाओगे। बेल्टॉन के पास आपको लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेल्टॉन क्या करेगी, आपका केबीसी या नाम के थ्रू ईआरपी ओपन करेगी, ठीक है। वहाँ पे आपका डिटेल्स चेक किया जाएगा, कौन कौन से महीने का आपका मानदेय आपके आपके अकाउंट में जो है जा चुका है और कौन से महीने का आपका अभी बकाया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ईआरपी में इजीली, ठीक है। और उसके ऊपर आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ईआरपी के लिए। और फ्रेंड्स, ईआरपी सिर्फ आपको मानदेय ही नहीं दिखाती, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे कि आपका पता हो गया, आप किस विभाग में काम कर रहे हैं, कब से कार्यरत हैं, आपकी उम्र क्या है, एज क्या है, अब ठीक है, अब कितने दिनों तक आप कार्यरत रह सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड किया हो रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, समझ लीजिए कि फ्रेंड्स ईआरपी सॉफ्टवेयर एक फाइल की तरह है, जहाँ आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बेल्टॉन कर्मी की जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। और ईआरपी में जितने भी बेल्टॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं, उनका पहले केवाईसी होता है, ठीक है, फिर ईआरपी में लॉगिन कर सकता है। केवाईसी के बाद बेल्टॉन कैंडिडेट को एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे वो ईआरपी में लॉगिन कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक हमारे पास लेटर है फ्रेंड्स, जिसमें ईआरपी से टोटल 4 लोगों को मात्र 2 साल के लिए ईआरपी से नाम हटाने के बारे बोला गया है, ठीक है।
इस लेटर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर विषय में क्या दिया गया है। विषय में ये है, विषय ईआरपी सिस्टम में चार डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम पैनल से निरस्त करने के संबंध में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल चार लोगों का नाम ईआरपी से हटाया गया और पैनल से भी। तो समझ लिए फ्रेंड्स कि इन लोगों को 2 साल के लिए आराम करना पड़ेगा और क्या, बिना मानदेय का। फिर इन लोगों को 2 वर्ष बाद बेल्टन को जो है ईआरपी में नाम जोड़ने के संबंध में लेटर देना होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को 2 वर्ष के लिए क्यों ईआरपी और पैनल दोनों से बाहर कर दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स इन लोगों ने जो है उस कार्यालय में, यानी कि जिस कार्यालय में काम कर रहे थे, उस कार्यालय में योगदान के बाद बिना किसी लेटर या सूचना के कार्यालय से कार्य छोड़कर निकल गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ईआरपी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि ईआरपी सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करती है, और यहाँ पे बेल्टन के कर्मी के लिए ईआरपी और ईआरपी सिस्टम में नाम जोड़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगातार मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।